हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका पीके स्टडी हाउस के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओम्स नियम के बारे में, जो कि विद्युत धारा के लिए उपयोगी होता है। ये बहुत ही बड़ा मायने रखता है। अगर इलेक्ट्रिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका रोल है, ओम का नियम। अब इस बारे में हम बताएंगे कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम आराम से देखेंगे और बातों को समझेंगे, ठीक है। आइए हम बताते हैं ओम्स का नियम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब हमें तो बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर की आती है लगभग, ये अगर पूछ दिया तो इसके लिखने के लिए थोड़ा ब्रॉड ही लिखना पड़ेगा। तो हम सब बता रहे हैं तो कैसे लिखना है, तो लिखना है ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है क्या, जिसमें मान लीजिए कोई हम चालक ले रहे हैं, उसके लंबाई में वृद्धि ना करे, चौड़ाई में वृद्धि करे ना करे, ताप में वृद्धि ना करे, मतलब कोई भी परिवर्तन ना करे, भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप आदि को नियत रखें तो उस चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, ठीक है। इससे सिंपल अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया होगा क्या है ओम के नियमानुसार। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप आदि को नियत रखे तो उस चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात नियत रहता है, ठीक है। नियत रहता है क्या मतलब, कि कॉन्स्टेंट रहते हैं, मतलब भी अनुक्रमानुपाती आई बराबर नियतांक, ठीक है। अब नियतांक घटाते हैं तो इस पे कोई वी बाई आई बराबर नियतांक, तो नियतांक घटाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट लगाएंगे जिसमें हम लगाते हैं वी बराबर आई बराबर आर। ओम का नियम प्रतिरोध के बारे में बताता है। तो इसमें क्या है कि यदि कोई तार है अगर इसमें हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने से धारा घट जाएंगे, मतलब आपस में ये बैलेंस बना के रखेंगे। हम अगर धारा बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज कम हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों का जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, दे देता है आपको कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तथा उस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो उसमें प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना क्या होता है कि हमें क्या दिया है, तो इसमें प्रतिरोध दिया है मतलब आर दिया है 10 ओम, ठीक है। और क्या दिया है कि उस चालक के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है, मतलब भी दिया है 5 वोल्ट। हमें पूछ क्या रहा है कि आई, मतलब अब हम देखेंगे इन तीनों में संबंध क्या है, तब हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम अभी बताए थे ओम के नियमानुसार, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते लिखेंगे हल ओम के नियमानुसार भी बराबर आई आर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं भी बराबर आई आर। तो हमारा भी क्या है, 5 वोल्ट और बराबर आई हमें पूछ रहा है और आर क्या है 10, ठीक है। तो 5/10 बराबर आई। अब बहुत सारे एग्जाम में हमें
फिगर बना के पूछता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बना के पूछता है लेकिन फिगर बना के पूछता है, तो फिगर से हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम फिगर बना के भी समझाएंगे, जैसे आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया और इसमें दो रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और ये मान लीजिए आपको धारा पूछ दिया, ये दे दिया आपको 100 वोल्ट, मान लीजिए 100 वोल्ट की बैटरी है, उसमें 2 ओम और 3 ओम दे दिया आपको कि प्रतिरोध लगे हुए, तो धारा I ज्ञात कीजिए, I पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम अभी बताए थे कि इसमें देखेंगे दिया क्या है, तो दिया है V10 100 दिया है, और R क्या दिया है, R अभी सीरीज में है, दोनों को हम जोड़ेंगे सीरीज वाला, इसके आगे की वीडियो में हम बताएंगे, दूसरी वीडियो जिसमें लाएंगे सीरीज के मतलब प्रतिरोधों को जोड़ने के बारे में बताएंगे, ठीक। तो ये कितना होगा, 5 ओम, ठीक है। तो V बराबर आई आर से हम निकाल सकते हैं, V कितना है 100 और R कितना हो जाएगा 5 बराबर आई, तो 20 बराबर आई, मतलब 20 एम्पियर हमें इस फिगर में विद्युत धारा प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओम का नियम कैसा लगा आप जरूरी वीडियो में नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो सबसे सिंपल में यही जानेंगे कि यदि किसी चालक की मतलब यदि कोई भी तार है उसकी भौतिक अवस्था को बिना परिवर्तन किए अगर उसमें विभवांतर तथा उसमें जो प्रभावित धारा है दोनों का अनुपात नियत रहता है, मतलब अगर हम भी बढ़ा रहे हैं तो आई उसके मतलब बैलेंस बना लेगा, अगर आई बढ़ा रहे हैं तो भी कट के उसके बैलेंस बना लेगा, मतलब दोनों का जो अनुपात होगा वो प्रतिरोध नियत ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो देख के जरूर नीचे कमेंट बताएंगे, और बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे इस चैनल से, तो एक बार और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, इंतजार करते रहिए, धन्यवाद।